नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो जो है बोर्ड से ही समझ में आ गया होगा क्या कौन से मुद्दे पे बात करने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी टॉपिक आ जाते हैं जहां पे जुबान पूरी तरीके से खामोश हो जाती है, आंखें अंदर ही अंदर रोता है, दिल कुछ कहना चाहता है लेकिन हमारी जुबान वहां तक जाने ही नहीं देती है। आज जो कहानी होगी वो होगी आयशा की। बड़ी खूबसूरत लड़की, बड़ी मासूम, बड़ी ऑनेस्ट, और अक्सर अगर कहा जाए कि सुजीत सर आप जो इतनी बातें बता रहे हैं आयशा के बारे में तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, और हम भी बातें कोई बड़ी बात नहीं। इंसान जाने के बाद में उसका कर या कुकर कैसा भी हो उसे इंसान अच्छा ही समझता है। लेकिन एक बात तो यथार्थ है, जितनी बातें बोलकर और जिस बहादुरी से वो इस दुनिया को छोड़ दी, वो सच में कहीं ना कहीं हमारे अंदर के मन को ना झकझोर दिया, हमारे समाज को ना एकदम सोचने पे मजबूर कर दिया कि आज भी औरतों की स्थिति अच्छी नहीं है, नहीं अच्छी स्थिति। कहां से उठाऊं, कहां से बात करूं, कौन से देश में हम जिंदा है। हमें सिर्फ गर्व होता है, हम महान होते हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारा राज गुजरात है, बस इतना करके आप बाबाई उठ लीजिए। समाज के लोग खुश नहीं है, और खास करके समाज में के लोग में उन लड़कियों की हालत आज भी खराब है। जहां आप सोचते हैं एक सती पड़ता था, जहां से यह होता था कि जबरदस्ती चिता पे जला दिया जाता है, आज आधुनिक सती पड़ता है जहां पे दहेज लेकर लड़कियों को जला दिया जाता। शर्म की बात है। मुझे इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए कि हम पुरुष में पैदा हुए हैं, हमें इस बात का गम होना चाहिए कि हम पुरुष में पैदा होके भी अभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। हमें एक साथ आवाज उठाना होगा, आयशा को इंसाफ दिलाना होगा। आयशा जिस खूबसूरती से किसी को भी ब्लेम लगाने की बात ना करके इस दुनिया को छोड़ दी गई, लेकिन उसी खूबसूरती में एक बात को छुपा के रख दी जो हम जैसे सारा हिंदुस्तान जानता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे जिम्मेदार उसके परिवार है, और परिवार में उसका पति। अब बात आती है कि सुजीत सर आप बोलने वाले क्या हो, कौन होते हो, तो आखिर अगर मैं बोलने वाला कौन होता हूं तो आखिर वो मरी क्यों, और मरते मरते एक बड़ा खूबसूरत सा शब्द बोल के मरी कि खुदा मुझे ले तो जा रहे हो लेकिन कभी इंसान से दर्शन मत करवाना। कितनी मासूमियत से कितनी बड़ी बात बोल के चली गई। अगर आप सोचो ना तो दिल बहल जाएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। अगर आपकी बहन होती, आपके परिवार की सदस्य होती तो कैसा फील होता, जरा सोच के देखो। कोई वीडियो बनाने वक्त इस तरीके से मुस्कुरा रही है कि मैंने जिंदगी जी लिया, अब मैं जा रही हूं। आप मुस्कुराहट देख रहे हो क्योंकि आपको मुस्कुराहट दिखता है, अंदर के दिल को देखो। अगर जिस दिन अंदर के दिल को देखोगे ना, मानवता बस यही बोलेगा कि कहीं ना कहीं एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते आवाज तो नहीं होगी, हम आवाज को नहीं पकड़ पाए। हम कैसे इंसान हैं, हम कहते महिलाओं का सम्मान करते हैं, अरे महिलाओं तो स्टार्टिंग से ही मर रही है। कभी गर्भ में मार दिया जाता है, कभी मां मारती है, कभी भाई मारता है, कभी पति मारता है, जब इन सब से बच जाता है तो उसकी औलाद मार देता है। कहां नहीं मरती है महिलाएं, बोलो ना, देखो ना तो दिल टूट जाता है। हमें गर्व नहीं, हमें शर्म होना चाहिए कि हम इस हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं, क्योंकि हमारा कर्म भी उन कुकर्मों से भी बुरा है जो हम देख के भी समाज में कुछ आवाज नहीं उठाते। हम इसको शान समझ रखते हैं, हमने इतना दहेज लिया, हमने ये लिया, क्या कर रहे हो, कहां जाना है, सोचो, सोचने का है इस वक्त। मुझे जब मैंने रात में इस वीडियो को देख रहा था, चल क्या आपको सुबह से शाम तक क्लास होती है, रात में जब देख रहा था बड़ी अंदर से अजीब सी हरकत हो रही थी, ये हो क्या गया है। पिता ये तक बोल रहा है बेटी चली आओ, वरना अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी मर जाऊंगा और पूरे खानदान को मार दूंगा। सोचो कितनी मोहब्बत है पिता के पास, अंदाजा इससे लगा लो। और ये सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं, अंदर दर्द है लेकिन इस दर्द में भी एक मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि बाप ये बोलने के लिए तैयार है
मैं भी मर जाऊंगा और पूरे खानदान को मार दूंगा अगर तुम लौट के नहीं आई तो। सोचो, आप बस डूबने का दृश्य मत देखो, वो तो आत्मा थी, वो हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा रह जाएगी। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी बेटी का वैसे घर में रिश्ता मत तय करो जो स्टार्टिंग से ही दहेज के लिए पापों से भी गिरकर पाप करता वो बाप, जो बस कहलाता है लड़के का बाप। शर्म आनी चाहिए, शर्म की बात है। सारे हिंदुस्तानियों का सर इस वक्त झुका हुआ है, ये गुजरातियों का नहीं, सारे हिंदुस्तानियों का। क्या तमाशा है, कैसे कोई चली जाती है, जिंदगी से इतनी मोहब्बत हम करते हैं, जाने से पहले एक बार एक हजारों बार सोचते हैं कितना दर्द सही होगी। सोचो, बाप को बताने कब ही मुनासिब नहीं समझी, बस यही समझी चलते हैं हम सफर करते हैं, बाकी दुनिया हमारा तमाशा देखेगी, हमें न्याय मिले या ना मिले, मुझे बस इस इंसानों से दूर रखना, जानवर में पैदा कर देना कबूल है अल्लाह, लेकिन कभी इंसानों के पास में मुझे मत भेजना, एक बार मेरे साथ बुरा किया हो अब मत करना बुरा। सोचो इस लड़की कितनी दर्द है, और आज एक ये आयशा के साथ में नहीं हो रहा, ये आयशा का पॉपुलर हो गया इसलिए हम इसकी बात करते हैं, हिंदुस्तान में ऐसी हजारों आयशा है जो हर दिन मरती है, और मारने वाले कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं, बस नाम करवाते हैं, हम तो लड़का है, हम तो पुरुष है, अरे क्या हो, इंसानियत तो गिर चुकी है, मानवता तो है ही नहीं है, तो फिर रह भी क्या किए। अब बात करते हैं आयशा पे कि सुजीत सर आप तो जिम्मेदारी सबको ठहरा दिए, उसके बाप को भी जिम्मेदार ठहरा दिए, उसके पति को भी जिम्मेदार ठहरा दिए, समाज को भी, क्या आयशा जिम्मेदार नहीं थी क्या? हाँ थी, बहुत बड़ी जिम्मेदार थी। हमें पता होता है जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें दुख और सुख दोनों सहना होगा, सिर्फ हमें सुख से मोहब्बत करें और दुख को नजरअंदाज कर दें तो यही दुख जो है एक दिन हमें निकल जाती है, समाज में लोगों को निकल रही है, आपको भी निकल जाएगी, हमको भी निकल जाएगी। हमें जितनी मोहब्बत सुख से करते हैं उतनी ही मोहब्बत गम से भी करना चाहिए, उतनी भी मोहब्बत हमें जो है परिस्थिति से करनी चाहिए। अब एक बात आता है, कई लोग ऐसे देख रहे होंगे जिस समय वीडियो, उस समय कहते होंगे सुजीत सर आप तो इतनी मोटिवेट करते हो, लोगों के अंदर सुनामी पैदा करते हो, एक चीज का जवाब मुझे दे दो, आखिर ये दुख आता कहां से, कहां से आता दुख, कौन दे रहा दुख? अब ये बात जो मैं बताने वाला हूं दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा, मेरी बात लिख लो जहां कहो कार्य का कोरे कागज पे लिखवा लो, कोई नहीं बताएगा, कहीं वीडियो नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं जिसको सुनते ही नहीं आपकी पूरे शरीर के अंदर जो है झनझनाहट पैदा हो जाएगी, लगेगा क्या कमाल की बात कर रहे हो सुजीत। अब एक मिनट जिंदगी को रोको और एक मिनट जिंदगी से पूछो क्या कि दुख और कहा रहा। अब एक रहता है, कई लोग बोलते हैं समय को मारे हो, समय आपको मार रहा है, आपका कर्म कुकर्म था इसलिए आपको दुख हो रहा है, आपने किसी जन्म में कुछ किया होगा उसकी सजा इस जन्म में मिल रही, बातें भी सही है, लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूं इस कलयुग में कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। एक मिनट सोचो, जिंदगी को एक मिनट हमारे साथ लेके चलो, आप कभी भी किसी गरीब को अगर खाना खिलाते हो, अगर कुछ देते हो तो यहां से क्या फील होता बताओ? सुजीत सर बड़ा सुकून फील होता है, लगता है हमने भी कुछ किया, और अंदर से इतनी हैप्पीनेस होती है, इतनी हैप्पीनेस होती है जो बयां करना भी इम्पॉसिबल है, बड़ी खुशी होती है, और यह आदत लग जाए ना तो जिंदगी सवर जाए। बातें तो सही है लेकिन वहां देने के बाद तो खुशी मिलती है, लेकिन वहां से कोई उम्मीद नहीं रहती है। आप कभी उम्मीद करते हो किसी गरीब को खाना खिलाने के बाद, यह उम्मीद तुम करते हो कि वो गरीब एक दिन आपको खाना खिलाएगा? बताओ, नहीं सुजीत सर, कभी उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि और सोचते हैं ऊपर वाला वाहेगुरु हमें खूब सारा दे, हमारे कृष्ण खूब सारा बढ़ दे, मैं और डोनेट करूं क्योंकि मुझे हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन जब आप पड़ोसी को, जब आप रिश्तेदार को, जब आप नातेदार को, जब अपने भाई को, अपने मां बाप को या किसी और भी इंसान को जब हेल्प करते हो, जिस समय हेल्प करते हो उसी समय आपके दिल के अंदर एक दरवाजा खुला होता है जिसका नाम होता है उम्मीद, आशा, और यहां उम्मीद और आशा रखना यह सबसे बड़ा सुसाइड है। उम्मीद आशा का भी अपनी जगह होती है, वो अपने जगह पर खुश रहती है,
आप उठा के जहां पे मदद किसी की कर रहे हो वहां पे जाके उम्मीद लगाते हो, यही सबसे बड़ा गुनाह है इंसान का। इसीलिए दुख आता है, बाकी दुनिया में कहीं दुख नहीं है, कहीं दुख नहीं है। आप कहीं भी देख लो, अगर दुख मिले तो मुझसे नजरें मिला, आओ मेरे सीईओ सक्सेस, मैं आपसे बात करता हूं, आपको प्रूफ ना कर दूं तो बेकार है मेरा वीडियो बनाना। हम उम्मीद कर लेते हैं, अभी मदद किए नहीं उससे पहले दिमाग में इतने सारे ख्याल आने लगते हैं कि हम उम्मीद कर लेते हैं, ये है इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा, इनसे ये होगा, इनसे ऐसे होगी, कभी मुसीबत में काम लेंगे, और अगर उस वक्त वो काम नहीं दिया तो आप टूटते हो। दुख तो यहां से शुरू होती है, बाकी दुख का कोई रास्ता नहीं इस दुनिया में। सच बताओ सर झुका के, बस एक ही बात बताऊंगा, दुख इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है दुख। लेकिन हम उम्मीद करके दुखी होते हैं, जिस दिन उम्मीद नहीं रहेगी जिंदगी मजेदारी में कटेगी, कभी दुख नहीं होगा। ऐसा चली तो गई, लेकिन क्या ऐसा को यह पता नहीं था कि दुख सुख तो जिंदगी का एक पार्ट है। आज अगर दुख है तो कल सुख होगा। पेशेंस नहीं रहती थी क्या वो, क्या दो वक्त वक्त का इंतजार नहीं करती थी क्या? एक कचरे का ढेर भी वक्त आने के बाद बदल जाता है। हम तो इंसान है जी, हम क्यों नहीं बदलेंगे? कल कुछ और थे, कल अनसक्सेस थे दुनिया की नजर में, लेकिन कल भी हम बढ़ रहे थे, कल भी मेरा प्रोग्रेस था, आज भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल कुछ और थे, आज कुछ और है, आने आगे आने वाला जो समय होगा उसमें कुछ और हम होंगे। हम बढ़ी तो रहे, परिस्थिति दो मिनट आके हमारा इम्तिहान लेती है, हम इस इम्तिहान में फंस ना जाए। फेल करना कोई बुरी बात नहीं है, फंसना गलत बात है, फंसना मत, क्योंकि फंसोगे तो रोओगे, फंसोगे तो फिर तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, फंसोगे तो अपने आप को समाप्त कर दोगे, और अगर फेल करोगे तो समझ जाओगे। दोनों ऑप्शन आपके पास में है, जिस ऑप्शन को आज पकड़ोगे वही आपका कल का अतीत होने वाला। शायद ऐसा इस बात को समझ नहीं पाई, ऐसा को ये बताने वाला कोई नहीं था दूर तक कि तुम जाओ मत बल्कि इस जमाने से लड़ो। मैं सारे हिंदुस्तान के सारे लड़कियों से एक ही बात बोलूंगा, अंदर से बोलूंगा, हार्डली बोलूंगा कि अगर जा रही हो जिसकी वजह से जा रही हो उसको मिटा के जाओ, ताकि अगर वो जिंदा रहा तो फिर किसी ऐसा को मार देगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ऊपर में जाके खुश रहोगी? अरे तुम तो एक खुद ही पाप करके गई हो। सच बात यही है, कर भी है लेकिन दिल की बात है। मैं यही बोलूंगा जिसकी वजह से जा रहे हो ना उसकी हस्ती को मिटा कर दो, ताकि फिर से वो कभी समाज में ऐसा नहीं करे, क्योंकि ये देश मेरा है, हम इस देश को संवारने आए हैं, हम इस देश को बदलने आए हैं, हम इस खूबसूरत से देश को महान बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में कचरे लोगों को भरते हैं, ऐसा नहीं है कि इस देश में हम सह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में जुल्म होता रहे और हम इसके जुल्म से बचने के लिए एक आसान सा रास्ता पकड़ के दुनिया से चले जाए। अरे नहीं, बदलो परिस्थिति, क्योंकि हमारे पास में ताकत है, हमारे सीने में आज भी विश्वास है, बदल देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बर्बाद कर देंगे जो हमको बर्बाद करेगा। और यह चीज हर महिला में होनी चाहिए, भले ये मैं बोल रहा हूं आवेश में, भले मैं क्रांतिकारी शब्द में बोल रहा हूं, लेकिन ये हर महिला में होना उनका आत्मसम्मान है, उनका मौलिक अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये तुम्हें करना पड़ेगा तभी तुम जी सकती हो, क्योंकि यहां वही जिएगा जो लड़ना जानता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वो जमाना चला गया कि हम सहे, सहना नहीं है लड़ना नहीं है, आत्मसम्मान के साथ जीना है, और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा चली गई, लेकिन पीछे इतनी सारी यादों को छोड़ दी गई, इतनी सारी महिलाओं को यह बता के चली गई कि मैं जा रही हूं तुम मत ऐसे जाना, मेरे साथ बुरा हुआ है तुम अपने साथ मत करना, मैं सह रही हूं तुम मत सहना, लड़ना, लड़ के सामने वाले को तोड़ देना। अगर पुरुष है तो क्या हुआ, उसी रास्ते से वो भी पैदा लेता है जिस रास्ते से तुम पैदा लेती हो, बस यहां समाज आपको दबा के रखे हुए है, बाकी सीने में आज भी ताकत उतनी है कि सामने वाले की औकात निकाल के रख दे, क्योंकि हम भी झांसी की रानी है, हम में भी इतनी ताकत है, और यह अपनी ताकत है। आप अपनी नजर से देखो तो भले तुम अबला हो, अपनी नजर से देखो तो भले तुम अपराजिता हो, लेकिन मेरी नजर से देखो तो सच में तुम झांसी की रानी हो। निकलो बाहर, दिखाओ दुनिया को ताकत कि नजर उठाने वाले की नजर को मोड़ना आता है,
हमारे साथ बुरा करने वाले की अच्छी तरीके से बैंड बजाने आता है, और ऐसा ही करना होगा क्योंकि 21वीं सदी है। जान देके मत चली जाओ, जिससे परिवार को बहुत दुख होता है, लोग टूट जाते हैं। तुम तो चली जाती हो आसान रास्ते से, लेकिन मां बाप के साथ में जो होता है आप समझ नहीं सकते क्या होता। आज ऐसा के मां बाप के साथ में क्या गुजर रहा होगा। मैं अगर बोलो भी कृष्ण उनकी आत्मा को शांति दो, उनके परिवार को ताकत बढ़ाओ, क्या होगा? नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपके जिंदा रहने से बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। अगर आपकी भी कोई दिल की कहानी हो तो शेयर कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। आज से सर झुका के बात करते हैं। दुनिया की कोई सी प्रॉब्लम नहीं है जो मैं सॉल्व न कर दूं। बस 5 मिनट टाइम दीजिए हमें, सिर्फ 5 मिनट अपनी प्रॉब्लम बताइए। दुनिया से जाने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लीजिए, उसके बाद जहां दिल रहे चले जाइए, एक बार जरूर हाथ जोड़ के विनती है, हम आपको बचाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं सर झुका के। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बातें हो, कोई भी पुरानी यादें हो, हमें शेयर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।